आजाद भारत का संविधान कहता है कि अनुच्छेद 21 से मिले जीवन के अधिकार के तहत दो बालिग आपस में अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। कोई जाति, कोई धर्म, कोई क्षेत्र, कोई भाषा दो बालिगों की शादी में रुकावट नहीं डाल सकता। लेकिन आजादी के 74 साल बाद भी राजस्थान की बाड़मेर में मायलावास के रुद्राट गांव में इस घर से आई कहानी ने इस सवाल को जन्म दिया, क्या वाकई संविधान से मिली आजादी सब तक पहुंची है। ये दो भाई हैं, नाम है फौज सिंह और अंगार सिंह। इन दोनों के चचेरे भाई की बेटी ने पिछले वर्ष प्रेम विवाह किया तो पहले भाई के परिवार को पंचायत ने समाज से बाहर करने का फरमान सुनाया और फिर खाप पंचायत ने चचेरे भाई की बेटी का प्रेम विवाह कराने में मदद का आरोप लगाकर अंगार सिंह फौज सिंह के परिवार पर 17 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। जुर्माना न भरने पर 12 साल के लिए समाज से बहिष्कृत करने का ऐलान हुआ। समाज से बहिष्कार मतलब कोई भी और इन्हें अपने घर किसी आयोजन में नहीं बुलाएगा, कोई रिश्ता नहीं रखेगा। अगर किसी और ने इन भाइयों से कोई संबंध रखा तो उसको भी 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। बहिष्कार करके हुक्का पानी बंद किया और 1 साल के बाद हमने हमारे को पाबंद कर दी। फिर हमने 15 साल को वापस इकट्ठा किया तो हमारे पे 17 लाख का जुर्माना लगा दिया, 17 लाख दोनों भाई पे, और हमारे को 12 साल के लिए बहिष्कार कर दिया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन हर जगह कानून का डंडा ही क्यों चले? ऐसे मौके पर वो जन प्रतिनिधि यानी विधायक, सांसद, मंत्री कहाँ चले जाते हैं जिन्हें समाज का वोट दिखता है लेकिन समाज की खोट नहीं दिखती? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि आजादी के 74 साल बाद भी तकियानुसी सोच को परंपरा के नाम पर जिंदा रखने वालों को समझाएं? दिनेश बोहरा, बाड़मेर।